I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, मेरे थंबनेल में लिखा हुआ था, एक ही दिन आज़ाद हुए थे भारत और पाकिस्तान, फिर क्यों 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है पाकिस्तान में। फ्रेंड्स, ये चीज़ तो सभी को मालूम है कि हाँ, इंडिया में 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, बट पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाते हैं इंडिपेंडेंस डे। बट क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका रीज़न शायद ही किसी को मालूम होगी। चलिए आज मैं बताती हूँ आप सबको कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मना लिया था, लेकिन फिर बाद में क्यों तारीख 15 अगस्त से 14 अगस्त हो गई? यही पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के नाम पहले संबोधन में 15 अगस्त की बधाई दी थी। उन्होंने कहा था, ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है। मीडिया रिपोर्ट और इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताबों में पाकिस्तान के 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे दो वजह बताई गई है। दरअसल इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और इसने 15 जुलाई को कानून की शक्ल दी थी। इस बिल के मुताबिक 14 से 15 अगस्त की जो रात थी, उसी रात में दोनों देशों को उनका वजूद मिल जाता, वो दोनों देशों का बंटवारा होना था। पाकिस्तानी इतिहासकार के अजीज अपना किताब मदर ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि इन दोनों देशों को सत्ता का हस्तांतरण वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को करना था। दैट मीन्स कि जो पॉलिटिकल पावर होती है, वो चीज़ दोनों देशों को हैंडओवर कर देते हैं माउंटबेटन। मगर माउंटबेटन वायसराय लॉर्ड एक ही वक्त पर, यानी 15 अगस्त को नई दिल्ली और कराची में मौजूद होना ये मुश्किल था। एक ही वक्त पर दोनों जगह पे होना ये नहीं हो सकता था। दोनों जगहों पर उनका होना बहुत ज़रूरी भी था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन में वायसराय रहते हुए 14 अगस्त को पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी। रिपोर्ट बताती है कि 14 अगस्त को वायसराय के सत्ता हस्तांतरित करने के बाद कराची में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, इसलिए बाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि तथ्यात्मक मीन्स की फैक्चुअली साक्ष्यों के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही दिन ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन बस उन्हें दस्तावेज़ दैट मीन्स की मैसेज जो होता है वो एक दिन पहले मिली थी पाकिस्तान को, इस वजह से वहाँ एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इंडिया में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके पीछे दो रीज़न है, 15 अगस्त की जगह पे 14 अगस्त में क्यों पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो ये तो पहला रीज़न हो गया। इसका दूसरा रीज़न है, कुछ मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि 1947 में 14 अगस्त को रमज़ान का 27वां दिन यानी शबे कद्र थी। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक धार्मिक ग्रंथ कुरान मजीद इसी रात को उतरी थी। इसके बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चीज़ बहुत कम कोई को पता है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ सभी को मालूम हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एक लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। I gave you my heart.